नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। तमिलनाडु के चर्चित यूट्यूबर कार्तिक गोपीनाथ को पुलिस ने क्यों किया गिरफ्तार। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे जाकर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तमिलनाडु पुलिस ने यूट्यूबर कार्तिक गोपीनाथ को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि यूट्यूबर कार्तिक गोपीनाथ ने एक मंदिर के नाम पर फंड इकट्ठा किया और उसका इस्तेमाल निजी हितों के लिए किया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वहीं इस मामले में प्रदेश भाजपा ने कार्तिक गोपीनाथ का समर्थन करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पेरम्बलूर में अरुलमिगु मधुरा कालियामन थिरुकोयिल मंदिर के कार्यकारी अधिकारी टी अरविंद ने यूट्यूबर के खिलाफ शिकायत की थी। इस शिकायत में कहा गया था कि कार्तिक गोपीनाथ ने एक यूट्यूब चैनल खोल रखा था। इस पर वह लोगों से मंदिर के नाम पर पैसे इकट्ठा कर रहा था। उसने अरुलमिगु मधुरा कलियम्मा मंदिर की मूर्तियों के नवीनीकरण के नाम पर फंड जमा किया। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा था कि यूट्यूबर कार्तिक गोपीनाथ ने इस फंड का इस्तेमाल अपने मकसद के लिए किया। इस शिकायत के आधार पर सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने आईपीएस की धारा 206-420 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की जांच की जा रही है। इस मामले को लेकर तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने ट्वीट कर लिखा कि दक्षिण चेन्नई के एडिशनल कमिश्नर का तबादला केवल इसीलिए सरकार ने कर दिया था क्योंकि कथित तौर पर मेरे साथ उनकी निकटता की खबरें आई थी। वहीं अब राष्ट्रवादी यूट्यूबर कार्तिक गोपीनाथ को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्तिक ने कुछ तस्वीरें मेरे साथ ली थी। अन्नामलाई ने लिखा कि इन सभी निर्दोषों को सरकार तुरंत छोड़े और सीधे मुझसे मुकाबला करे। आप सभी का इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे जाकर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।